आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। मतलब फोर्थ पार्ट तक हमने कर लिए थे पिछले वीडियो में। स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम इसको सोल्व करना है। देखो वही एक्स का जो कोफिशियंट है उसका साइन क्या है बेटा, प्लस है। प्लस का साइन है तो हमें किसमें चेंज करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें चेंज करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को क्या करते हैं, वन करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई में बेटा टू है, तो टू से इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू माइनस फोर सॉरी माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो टू आ जाएगा, जीरो को टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब देखो क्या करेंगे हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स टू इंटू ए बी। अब फिर टू एक्स को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें दीदी स्टेप क्या दिया होगा बेटा, एक्स अपॉन टू, तो बताओगे किससे डिवाइड करें, ये क्या आ जाए एक्स अपॉन टू आ जाए, किससे कर दे बेटा, वन अपॉन फोर से टू वन जा टू 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 जा फोर टू वन जा टू 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 जा फोर एक्स अपॉन टू। तो बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, वन अपॉन टू सॉरी वन अपॉन फोर प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर माइनस टू ई वन। अब देखो मेरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स अपॉन टू ही है, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस टू ये प्लस का वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, इसको क्या करेंगे बेटा सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर माइनस। अब देखो ये यहाँ पर क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस वन अपॉन फोर का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर वन अपॉन फोर का स्क्वायर क्या हो गया बेटा सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर दोनों माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, सिक्सटीन क्या आ गया बेटा एलसीएम सिक्सटीन टू जो 32 माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर माइनस 32 में से वन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 31 अपॉन 16 इज इक्वल टू जीरो। साइड चेंज कर देंगे बेटा, एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर 31 साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस 31 अपॉन 16 प्लस की हो जाएंगे, क्या कर लिया बेटा ए स्क्वायर साइड स्क्वायर बोथ साइड क्या बेटा इस साइड से एक्स प्लस वन अपॉन फोर होल स्क्वायर स्क्वायर रूट करेंगे स्क्वायर कट जाएगा प्लस माइनस 31 का क्या हो जाएगा अंडर रूट 31 और 16 का क्या हो जाएगा वन टाइम फर्स्ट ले लेंगे सेकंड टाइम सॉरी वन टाइम क्या ले लेंगे प्लस ले लेंगे सेकंड टाइम क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे और एक्स प्लस वन अपॉन फोर इज इक्वल टू 13 अपॉन फोर और एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 13 अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फोर और दोनों का सेम है प्लस इन फोर आ गया क्या आ गया अपने पास बेटा 13 अंडर रूट 31 माइनस वन और अगेन एक्स प्लस वन अपॉन फोर इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 31 अपॉन फोर एक्स माइनस 31 अपॉन अंडर रूट फोर प्लस के वन अपॉन फोर साइड चेंज करेंगे इसलिए हो जाएगा बेटा माइनस के हो जाएंगे यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा फोर एलसीएम माइनस अंडर रूट थ्री 31 माइनस वन माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 31 प्लस वन अपॉन फोर। तो दो बार जो कि हमने किया उसका ये हो गया।
सिक्स बेटा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। वही बेटा एक्स किसका है बेटा, प्लस का क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बेटा जो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उसको क्या करना है बेटा, वन करना है। इसके लिए जो एक्स स्क्वायर चैप्टर में जिन मल्टीप्लाई में उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू प्लस फोर टू कुछ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब वही एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स अगर टू एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स अपॉन टू किया था हमने बेटा वन अपॉन फोर से, तो बी की वैल्यू क्या है बेटा वन अपॉन फोर प्लस बी स्क्वायर वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर प्लस का टू प्लस के टू। अब ये चीज एक्स्ट्रा हमने ऐड की है इस पूरे इक्वेशन में, इसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। हम इधर इक्वेशन में पहले जैसा होता है माइनस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस वन का स्क्वायर वन और फोर का स्क्वायर क्या आ गया बेटा सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर प्लस क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा यहाँ पे सिक्सटीन एलसीएम आ जाएगा सिक्सटीन टू जो 32 माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर अगर 31 टू में से वन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 32 में से वन सब्सट्रैक्ट करेंगे 31 इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर प्लस के 31 अपॉन 61 16 साइड चेंज करेंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा माइनस। अब देखो बेटा अब हमें एक स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट करेंगे तो डिजिट किसकी है नंबर किसका है बेटा माइनस का, और माइनस के डिजिट का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। सो क्या लगेंगे नो सॉल्यूशन है नो रूट अवेलेबल या नो नो सॉल्यूशन नहीं आएगा। एक स्क्वायर रूट बोथ साइड क्या हो जाएगा ऐसे एक्स प्लस वन अपॉन फोर प्लस माइनस रूट माइनस 31 अपॉन 16। सो ये डिजिट किसकी है बेटा माइनस की डिजिट है तो क्या आ जाएगा इसका नो सॉल्यूशन। क्लियर सेकंड क्वेश्चन है बेटा फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एक्सिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसके क्या फाइंड करने हैं हमें रूट्स फाइंड करने हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है देखो बेटा श्रीधराचार्य फॉर्मूला है बेटा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। क्या क्या है ये देखो कहाँ से आया ये फॉर्मूला अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो यानी कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की ए किसकी वैल्यू है बेटा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की बी किसकी वैल्यू है एक्स के कोएफिशिएंट की वैल्यू और सी क्या है बेटा कॉन्स्टेंट है। क्लियर अब इनकी वैल्यू हमें यहाँ रखनी है यह माइनस फॉर्मूले में है यहाँ जो साइन वन है कोई साइन हमें लेना है सपोज दैट टू डिजिट है यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो यहाँ से हमें इस फॉर्मूले में रखना है तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे बेटा थ्री बी की वैल्यू क्या आएगी टू और सी की वैल्यू क्या आएगी फाइव यहाँ इसमें हम रखेंगे पुट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दूसरा देखो अगर कोई वैल्यू है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू 5 b की वैल्यू क्या होगी बेटा माइनस 2 क्या होगी यहाँ पे माइनस 2 और c की वैल्यू क्या है 3
थ्री। मेरा कहने का मतलब ये है कि विद साइन हमें वैल्यू लेनी है, अगर प्लस की है तो क्लियर है प्लस का ही हो जाएगा, अगर माइनस की है तो हमें माइनस की वैल्यू पुट करनी है। ये है मेरा शंकराचार्य फॉर्मूला। इसमें कैसे देखेंगे कि भाई एग्जिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर जीरो की वैल्यू क्या है जीरो है तो इक्वेशन कैसे है क्लियर होगी बेटा, रूट कैसे होंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कैसे होंगे बेटा रियल एंड इक्वल, कब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो की तो ये देख लिया बेटा मैंने, इज ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स क्या होंगे रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होंगे अलग अलग होंगे। और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो तो रूट्स आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो से लेस देन होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा नेगेटिव होगी, और नेगेटिव डिजिट का कोई रूट का होता ही नहीं है तो इसलिए रूट आर नॉट अवेलेबल। क्लियर है जीरो आ गया तो रियल होगा क्या होगा इक्वल होगा दोनों से अभी भी क्या है सेम आएगा